हाय, वेलकम टू माय पटनी कुकिंग चैनल। टुडे रेसिपी इज मटन कढ़ाई गरम मसाले की। वाओ, सो डिलीशियस रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। 1 kg मटन है। मटन को आपने अच्छे से साफ़ करना है, कोई गंद कोई कुछ ना रहे ऊपर। ये देखें, गोल बोटी है, कोई हड्डी वाली बोटी है, ठीक है, ये हड्डी वाली बोटी है। थोड़ी थोड़ी सी आपने चर्बी इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। अब हम अनियन ऐड करेंगे, 2 अनियन, 1 tablespoon गार्लिक साबुत ही ऐड करना है क्योंकि मैश हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, सॉल्ट 1 tablespoon, साबुत काली मिर्च ऐड करनी है हमने, वाटर आपने 2 cup ऐड करना है, जो गोश्त है ना वो डिप हो जाए पानी के अंदर, फिर अच्छे से बॉयल होगा। 30 मिनट बाद आपने गोश्त को चेक करना है, पानी ड्राई हो गया था कितना, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक किया था, गोश्त सॉफ्ट हो गया था काफ़ी। अब इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, साबुत सूखा धनिया पिसा हुआ, कोरिएंडर पाउडर, साबुत लाल मिर्च गोल, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, ठीक है, ब्लैक पेपर 2 tablespoon, ज़ीरा भी 2 tablespoon। रेसिपी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी, आप चेक कर लेना। रेड मिर्च बिल्कुल लाइट डालनी है क्योंकि खड़े मसाले भी ऐड होंगे इसमें। टमाटो 2 आपने मैश करके इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। जिसके पास टमाटर छोटे हैं वो 3 ऐड कर ले, अगर नॉर्मल है वो 2 ऐड कर ले। फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है हमने। योगर्ट 2 cup ऐड करेंगे हम इसमें, मैंने मसाले ऐड कर दिए थोड़े से ना, कोरिएंडर और गोल मिर्च ऐड की है, ठीक है। दही का पानी ड्राई हो गया था, ऑयल ऐड करेंगे 1 cup। ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ऑयल हमने 1 cup यूज़ किया। इसको मिक्स करेंगे कि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए ऑयल में से, ठीक है। ये देखें, अच्छे से गोश्त आपने भून लेना, बिल्कुल अच्छे से गोश्त भून गया। अब हम मसाले ऐड कर देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा, रेड मिर्च पाउडर, गरम मसाला ऐड कर दिया। गरम मसाला भी 1 tablespoon है। अब हम इसमें बारीक कटिंग टमाटो ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, ठीक है। वो मैंने एंड पे ऐड किया था, ग्रीन चिली ऐड, थोड़ा सा पानी लगाएंगे कि दम में ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट हो गया था, सो नाइस। जो चैनल पर न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक कमेंट शेयर। बहुत इजी रेसिपी, आप सबने ज़रूर ट्राई करनी है। बाय बाय।